राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूँ मीनू और मीनू बाय ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे हैं आप सभी? हो करती आप सभी अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ खाना आज सुबह का। वैसे तो मैं शाम का बनाती हूँ और आज मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का। तो बस मम्मी ने भोग का बना दिया है और मम्मी भोग लगा के भी आ गई है, पूजा पाठ सब ने कर लिया है। मम्मी खाना खा रही है, पापा खाना खा रहे हैं, दिव्यांश भी खाना खा रहा है, सभी लोग अपना खाना खा रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं। तो मैं बना रही थी अपना खाना। आज सब्जी में बनाई थी मम्मी ने बाकला की फली, अगर आप लोगों को पता हो तो, जो बाकला होता है ना वो सब्जी बनाई थी, और आलू गोभी की सब्जी बनाई थी। दो सब्जियां बनाई थी क्योंकि बाकला की फली की सब्जी बनाई थी, उसमें आलू नहीं डाले तो वो बन गई थी पापा के लिए, और हमारे लिए बनाई थी मम्मी ने आलू गोभी की सब्जी। तो दोनों सब्जियां बन के रेडी हो गई, सारी चीजें हो गई। तो फ्रेंड्स, बस मैंने सोचा कि ना खाना बना दूं, और खाना बनाने के बाद में आज मैं स्कूल नहीं गई थी, आज थी मेरी छुट्टी। तो बस, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन मैं कर लेती थोड़ा सा अपना काम, घर का मम्मी की हो जाती है। तो मम्मी की तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है अभी, और मम्मी को ना हल्की सी है कि जो बीपी होता है वो उनका बढ़ा हुआ है, और पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में उनके दर्द है, दिल की प्रॉब्लम है ही। बस क्या करें, इसीलिए अभी बस यहाँ से ये फिनिश कर दूँ इसको काम को। किचन का काम खत्म सबसे ज्यादा होता है, मेन किचन का काम तो हमारा वही खत्म हो जाए, बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो मतलब ये मालूम ही लगता है कि सारा काम हो गया पूरा। तो ना दो रोटियां रह गई, हाँ सारी रोटी मैंने बना ही दी थी। तो ये देखो हमारी परात भी हो गई है बाकी की, और सभी लोग ये ताजी रोटी लेने आती है तो लास्ट में उन्हीं की रोटियां डाल देते हैं। मैंने अपनी तो बना दी, कूड़ा वगैरह ले जाती ना गाँव में, तो वो तो आते नहीं है लेने के लिए, तो ताई लेने आती है कूड़ा, और उनके लिए वो अपना खाना ले जाती है दोपहर में काम करने के बाद में। तो फ्रेंड्स, आप लोग बने रहिए में, और मैं बना देती हूँ अपना खाना फटाफट, और उसके बाद में ये देखो देख ही रही इतना सारा फैला हुआ है काम मेरा, तो उसको भी करूँगी फिनिश। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। चैनल पर कोई भी न्यू है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप लोग वीडियो को सबसे पहले वॉच कर पाएंगे। तो लो जी, हमारी रोटियां भी पच गई है, इनको बस देख रहा है। तो इसमें रखी क्यों थी? मैंने तो उसमें रख दी ना, पहले कर लेती बालों को फोल्ड। पानी बोतल नहीं है, गिलास कहाँ गया? अंदर है बोतल। ये स्लिप के आगे रहती है, जिसकी वजह से ना ये सारे इस पर छींटे सब्जी के, किसी भी चीज हर चीज के सिर्फ छींटे आते रहते। तो ये वाली जो पत्ती है सब छींटे गंदी, तो
तो फिर स्लिप को कर दिया मैंने साफ और बर्तन रहेंगे तो बर्तन करूंगी बाद में, तो उससे पहले मैं खा लेती हूँ अपना खाना। खाना खाने के बाद बर्तन साफ करूंगी, उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, तो पेट में लगेगी नाश्ता नहीं, थोड़ा सा खाई देती अब लाइट थोड़ी ना आएगी। अब तो कोई भरोसा नहीं है, बड़ी मैंने जब तक पानी चला गया तब तक मैंने कर दिए बर्तन साफ और लगा लेती झाड़ू। खा भी मैंने खा लिया सारा काम के, किचन का ऊपर का पूरा काम होगा, झाड़ू लगाना बाकी है, थोड़ा सा मैं चीज वगैरह साफ करूंगी और उसके बाद में चली जाऊंगी। फिर पानी मेरा पूरा कर छोटे का जब सुनी दिखा था तो बड़े ने डर लगा था। जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ निकाला पूरी से लाइन से निकाली भर के, कॉटन की छाऊंगी सफेद वाली, चिपकी तो रहता है कम से कम, सर का रहता है फिर से उधर। जाले मारने वाला जान ढंग से बांध हो जाए। बांध लिया तो बांध लिया है, कैसे बांध लिया, बांध लिया तो बड़ा बड़ा जवाहर है, दिख ना रहा वो तो बड़ा है और सफेद सफेद मिलेगा। बीस की दो पेच तीन पेचक मिल रही मोटी मोटी बड़ी वाली ना, कलर कैसे ऐसी जैसी तुम्हारे हाथ में है ना ऐसी। हाँ जी कितने की लाई, बीस की तीन मिल रही तो मैंने दी दस की तीन दे दे, नहीं दस की दो दे दे। पहले तो सोची मैं लगती लेने, फिर मैंने की महंगी लग रही है ना जी, अपने
इकट्ठी पड़ी है सफेद धागो, ज्यादा जरूरत पड़ता है कोई भी चीज में। लाओ तो ये और दिख रहे क्या कहीं बुआ लाई Thank you.
रहा था गले में पानी, तो दिव्यांश को मैं थोड़ा सा नहला दूंगी और मैं तो नहा ली हूँ और खाना भी खा लिया, सारा काम हो गया। मैं बोल रही थी, मैं मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी को बोले आज लास्ट है ना हमारे यहाँ का मेला, तो 5 दिन का मेला लगता है, तो आज 5वां दिन है, कल दंगल हो गया था, दंगल वाले दिन लास्ट हो जाता है, तो ना अभी है कि आज से जाना स्टार्ट हो जाएगा उसका, तो मम्मी ही देख के नहीं आई थी, तो मैं बस उनको बोल रही थी कि अगर तुमको देखना है मेला तो मैं दिखा के ले आऊँगी। मम्मी जाती नहीं है, मम्मी शिवरात्रि को देखी जल चढ़ाने के लिए, बस जल चढ़ा के आई थी उनको, ना पापा जाते हैं ना मम्मी जाती है, किसी को भी शौक नहीं मेला वगैरह, वो बड़े हो जाते मन भी नहीं करता है, तो फिर भी मैं बोल रही थी मैंने अपना ये किचन का कुछ आइटम वगैरह लाना हो तो ले आएंगी, लेकिन वो बोल रही थी कि मेरे पैरों में हो रहता है, तो मैं नहीं जा रही थी, कोई बात नहीं नहीं जा रही हूँ, तो फिर मत तो जाओ, मेरा तो ये था कि मैं किचन में कहेंगी कि नहीं हुई तो साथ में मैं दिखा लाऊंगी, तो मैं बोल रही थी मैं दिखा लाऊँ, तो बोल जब तो बोल रही थी कि ठीक है मैं चलूंगी, लेकिन काम करते करते फिर उनके पैरों में दर्द होने लग गया, तो बोल रही मेरे पैरों में अब दर्द नहीं है, मेरे नहीं चला जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा चलना पड़ता है। क्या लिया है